तुर्की वाली सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो आगे बिल्कुल टार्च के साथ और बंदूक के साथ बिल्कुल लाइन पे खड़े थे। एजेंट दूरबीन में देख रहा था कि आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उस एजेंट को भी पता था कि आगे फौजी है। तो अच्छा, उनको पता था। फिर मैं थक गया, आगे नहीं जा सका, तो वही एक जगह थी उधर छुप गए। फौजी आया और हमारे पास खड़ा हो गया, उसको पता था कि इधर ही है। सही। तो उसने अपना सांस ठीक कर लिया और फिर हमें पकड़ लिया कि उठो। मैं जब नीचे आ गया तुर्की की जमीन पर तो अजान हो रहे थे उस टाइम, जिस तरह पाकिस्तान में दिसंबर होता है जनवरी होता है इतनी सर्दी, उधर जून जुलाई में होती है। हमारे चारों तरफ पुलिस इसी तरह गड़ी थी जिस तरह बड़ी दहशतगर्द को पकड़ा है उसने। तो तुर्की वाला ईरान वाला जब निकल आते तो वो फिर आपको ईरान नहीं छोड़ते, तो कहते हैं कि आप तुर्की, और तुर्की वाले कहते हैं कि आप ईरान जो $50 में खरीदते हैं फिर वो दूसरे को 100 में बेचते। फिर इसी तरह आगे मैं तकरीबन 7 जगह बेच चुका था। आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं आपसे पहले कान काटूंगा, फिर हाथ काट लूँगा, फिर पैर काट लूँगा, फिर मार लूँगा। तो उधर से मैं गाड़ी की दरवाज़ा खोल लिया और बाहर। दो दिन मैंने एक सहरा में गुजारी थी, उस दो दिन में मैंने नालियों के पानी पी थी, खाना मैंने दो दिन में नहीं खाया, पत्ते का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ शहजाद खान मौजूद हैं जो केपी से ईरान तक इन्होंने भी इलीगल एक सफ़र किया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी भी कहानी कुछ दिन पहले मुझे सुनने को मिली, तो आई थॉट कि इनको भी इनवाइट किया जाए और इनसे ख़ुद जो है वो हम कहानी सुने। बहुत शुक्रिया शहजाद, थैंक यू आपने टाइम निकाला। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, आप कुछ दिन पहले, हमने एक और दोस्त हैं आपके भी म्यूचुअल हमारे जानने वाले, उनकी भी हमने उनके साथ भी बात की, सो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में अगर बताएं कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपको शौक पैदा हुआ बाहर जाने का, और सबसे पहले आपने कब सुना कि बाहर जो है वो किस तरह हम जा सकते हैं, या इनिशियल आपको कहाँ से ये सारा? थैंक यू। सुना तो मैंने बहुत बचपन से था और जाना भी चाहता था, क्योंकि उस वक्त मैं इसी काबिल ही नहीं था कि मैं जाऊँ, लेकिन जुनून मेरे दिल में बचपन से ही था। लेकिन फिर मैं जब आहिस्ता बड़ा हो रहा था तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं भी यूरोप जाऊँगा और अपनी ज़िंदगी उधर से ही सेटल कर लूँगा। और कोई ख़ानदान में था जो पहले गया हो? हाँ है, मामू है, बहुत लोग हैं हमारे ख़ानदान के उधर, लेकिन मैं भी ये चाहता था कि मैं भी जाऊँ। उसकी ज़िंदगी देखकर मुझे भी ये एहसास होता था कि मैं भी जाऊँ और अपनी ज़िंदगी चेंज कर लूँ। जब मैं बड़ा हुआ और मैंने जाने का इरादा किया तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा किया कि मैं भी इस रास्ते पर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने तो बिल्कुल हमें मना कर दिया इससे कि यह नहीं, आप नहीं जा सकते इस रास्ते पर। तो मैंने ज़िद कर लिया और मैं तो बचपन से जुनून में था कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाना चाहता था। तो फिर मैं घर से बगैर मशवरे के मैं निकल गया। नहीं, घर वालों को बताया भी नहीं आपने? बताया तो था लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो फिर मैं उससे बताने के अलावा चला गया। जब मैं घर से निकला और पेशावर पहुँच गया तो पेशावर से हमने कॉल किया कि मैं जा रहा हूँ। तो घर से आप सामान वगैरह बस बैग लिया? बस किसी एक, को एक कप, एक जोड़ा कपड़ा था और कुछ नहीं था, बस वही लेकर गया था। आपके जानने वाले थे या वो अलग? नहीं, जानने वाले नहीं थे, लेकिन वो लोग इस तरह कह रहे थे कि बाहर हमारा शोर है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, कुछ कह रहा तो था। तो आपको लेकिन पता कैसे चला कि ये लोग, या एजेंट ने कहा कि आप सारे इधर इतने बजे पहुँच जाए? बस फ़ोन पर बताया था, वॉइस कर लिया उसने कि क्वेटा पहुँच जाओ पेशावर। जब पेशावर पहुंच गए तो फिर हम क्वेटा निकल गए। क्वेटा में उसने कॉल किया कि आप उसी होटल में रात गुजारो, सुबह इंशाल्लाह आपको निकालेंगे उधर से। जब हमने उधर रात गुजार ली तो सुबह एजेंट ने फिर व्हाट्सएप पे मैसेज। लेकिन क्वेटा तक का सफ़र कैसा था? क्वेटा तक सफ़र तो सिंपली गाड़ी में ही था, बस का टिकट लेना था और इसमें तो कुछ नहीं था। क्वेटा तक तो कोई मसला नहीं, जब मसले पैदा होते तो क्वेटा से आगे पैदा हो जाते। सो क्वेटा तक बिल्कुल नॉर्मल सर है, वो तो अपना मुल्क है, बिल्कुल कुछ मसला नहीं। पुलिस ने नहीं रोका, एफसी वाला था, पुलिस ने रोका था। एक बार पूछा था कि आप किधर जा रहे हो, मैंने कहा कि काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसने बोला था कि कौन से काम के लिए जा रहे हो। सही। वो समझ गया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला उसने, हम चले गए उधर से। सही। सो फिर आप लोग क्वेटा पहुँच गए और क्वेटा आपने एक रात होटल में गुजारी। ठीक है, उसके बाद फिर एजेंट ने रब्ता किया कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी वाला आपको वही जगह ले आएगी जहाँ पर
मैं आपको लेना चाहता हूँ। तो सुबह गाड़ी आ गई, सुजुकी थी, उसमें हमें बिठा लिया और पीछे से चादर वगैरह बांधे थे, उसको रख दिया कोई बंदा ना देख ले, तो चला गया उधर से। फिर तकरीबन और कितने लोग थे उस वक्त भी, हम 11 बंदे थे। तो जब उधर से निकल गए तो तकरीबन 2-3 घंटे सफ़र हमने उस सुजुकी में किया। तो फिर हमें ईरान की साइड पर जब ले जाते थे तो उधर वो डीज़ल की गाड़ी होती है जो डीज़ल सप्लाई करते हैं, स्मगल करते हैं, वो डीज़ल की गाड़ी में हमें थोड़े थोड़े बिठा कर आगे ले जाते, कोई उधर किसी को रिपोर्ट से बहुत सख्त। जगह लेकिन कौन सी थी? क्वेटा से तकरीबन ये लोग कुटली बोलते, ये तकरीबन इस तरह इलाके, अभी नाम मुझे याद नहीं है लेकिन इस तरह था। तो उनसे आगे हमें डीजल के गाड़ी में ले जाता था, फिर आगे तकरीबन कोई शादी का तक, जिस तरह लोग शादी कर लेते उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा होती, उसमें लोग भी होते, उसी तरह लोगों को क्रॉस कर लेते। सही। तो फिर उसी तरह हमको क्रॉस किया पाकिस्तान। और उस दरमियान में सफ़र आपका कैसा था? उसी दरमियान और कितने घंटे का था क्वेटा से? क्वेटा से तकरीबन ताप्तान की सफ़र 8 घंटे के था। सही, 8 घंटे का जो नॉर्मल सफ़र है वो 8 घंटे लगे। सारे बिल्कुल बयाबान में था, बिल्कुल रेत थे, कुछ भी नहीं थे। और वो रास्ता आपका कैसा गुजरा? और वो भी आप लोग, ये 11 लोग थे तकरीबन? वही उस टाइम भी हम 11 लोग थे। तो और ये वही 11 जो पेशावर से निकले? हाँ, बिल्कुल एक साथ जो निकले। और इनमें से आप जानते कितने लोगों को थे? 3 लोग जानते थे मैं। सो उनके साथ आप तीनों ने प्लान बनाया? प्लान उसी के साथ मैंने बनाया था और उसी के साथ निकल गया था। फिर जब हम ताप्तान पहुंच गए तो उसी दौरान हम इतने थक गए थे कि मैं एक बयाबा में सो गया था। तो जब मैं सुबह उठा तो हमारे आँखों में इतने रेत गए थे कि मैं जब आके खोल रहा था, मुझे आके मेरे आके नहीं खोल रहे थे क्योंकि इसमें रेत। तो आपको लेकिन सोते हुए पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला कि इतना रेत हमारे आँखों में चला गया है। तो फिर हमने रेत साफ कर लिया और देखा कि बिल्कुल सारी हर तरफ रेत थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। सो इसके बाद अब आप लोग जो है वो ताप्तान के पास? ताप्तान से तो हम गुजर गए थे। ठीक है, यही तो ईरान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर ईरान के बॉर्डर पे कितना दिन रुकते हैं आप लोग? ईरान के बॉर्डर पे तो रुकते नहीं ये लोग, बस उसमें क्रॉस करने और क्रॉस करने के बाद एजेंट माफिया होते हैं उसके पास आना है और वो आपको जगह पर कई जगह पर स्टे कराते हैं फिर आगे ले जाते हैं। सो लेकिन वो क्रॉस आप कैसे करते हैं? वो तो पहाड़ों के जरिए? सिंपल ये ऐसे होते हैं कि वो पहाड़ होता है और उस पहाड़ों पे तो मैंने 9 सिक्योरिटी फोर्सेस देखा है। सही, ना पाकिस्तान की देखी और ना ईरान वाली साइड। अच्छा, कोई कुछ कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ मुश्किल ये है, जो मुश्किल नाम रखा है इस पहाड़ का, ये मुश्किल ही है। सही, बस इसको क्रॉस करना ही मुश्किल है। इतना बताऊँ मैं आपको, जब ये पहाड़ क्रॉस कर लेते हो तो ये आप ऐसे करते हो जिस तरह आपने बस मुल्क भी क्रॉस कर लिया। हाँ, यही मुश्किल है। और उसमें कितना टाइम आपको तकरीबन लगा था? तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे, 6 घंटे सफ़र होता है, 2 घंटे पहाड़ों में होता है, 6 घंटे नीचे आने में होता है, 6, 5.5, 6 में बंदा नीचे ज़मीन तक पहुंच जाता है, इतना ऊंचा पहाड़ है। सो 6 से 8 घंटे बस बिल्कुल लग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं पैदल सफ़र करना। तो वो जो आपके साथ खवातीन थी दो, वो कैसे मतलब? वो खवातीन उधर पहाड़ों में भी मोटरसाइकिल होते हैं, कई लोग अपोर्ट कर सकते, कई लोग अपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब पैसे मानते, 500 रुपये बंदा, 1000 रुपये बंदा मानते कि मैं आपको मोटरसाइकिल पे ले जाऊंगा। वो पहाड़ों पे चलते पानियों में जाते, वो मसला नहीं होता उसको, 125 मोटरसाइकिल होते हैं उसको कोई मसला नहीं होता। वो लेडीज़ अक्सर लोग उसी पे ले जाते हैं, ज़्यादातर हमारे तरह लोग भी जाते हैं, लेकिन हम तो चल सकते थे क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था तो हम चल सकते थे, तो इसकी कोई रीज़न नहीं थी। और वहाँ किसी ने आपको नहीं रोका? नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं है तो रोकता कहा, बस ईरान पहुंच गया जब गाड़ी आ गई, इसके नंबर प्लेट हमने देख ली, वो ईरान की थी तो हमें पता चला कि हम ईरान में। सही, इसके अलावा मैं कुछ पता तो वो नहीं। भी लग पाकिस्तान की तरह ही रहा होता है सर? नहीं, चेंजेस तो होता है कि पाकिस्तान पहाड़ पहाड़ है, वो बिल्कुल बयाबान है। सही, हाँ, सारी तरफ रहे। तो उसके बाद अब आप जो है वो रुक गए हैं उधर ईरान वाली साइड पर। वहाँ जब आपको गाड़ी ने पिक किया, एजेंट ने गाड़ी में, और आप फोन पे रब्ते में थे उससे या क्या? हाँ, रब्ता कर रहा था वो हमारे साथ, वो जो बंदा उसने भेजा था वो गाड़ी वाला, उससे रब्ता कर रहा था कि हमारे बंदे उधर, उसको उधर से ले जाओ। और वो बंदा पाकिस्तानी था या ईरानी? नहीं, ईरानी था, अफगानी होते ईरानी होते ये लोग होते। और फिर उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ये हुआ कि मुझे उधर से ले गया अस्फहान, एक शहर है ईरान का, पहला शहर है अस्फहान, अस्फहान, और उधर ले गया। उधर हमने तकरीबन उधर भी रात गुजार ली। तो सुबह जब सुबह के टाइम एजेंट ने हमारे लिए खाना लाया, तो खाने में कुछ भी नहीं थी, एक डबल रोटी होती थी और मास्ट, लोग कहते हैं उसको मास्ट, ये दही होता है, ये होते हैं, तो वो ले आए और हमने वो खा लिया और फिर निकल गया तकरीबन। नहीं तो आप रह कहाँ रहे थे उधर? उधर एक घर लग रखा हुआ था, उसने तकरीबन बहुत बड़ा घर था, उसमें कई लोग थे मुख्तलिफ बंदों के। कितने लोग थे तकरीबन? तकरीबन थे उसमें 300-400 लोग थे एक घर में। 300-400 लोग थे उसमें, बड़ा घर था, उसमें कई बंदों के लोग थे, मतलब अलग अलग बंदे के लोग थे, हम अलग बंदे थे, वो अलग अलग। तो वो रेंट किया हुआ था सारा? किया, रेंट किया हुआ था उसने, सारी जगह रेंट पे लेते हैं। और आपके साथ वो जो 11 लोग थे वो अभी तक साथ ही हैं? अब नहीं, उसमें चेंजेस हुए थी। सो जो आप 14 लोग जब आए, 11 लोग, सो अब आपने वहाँ आके उस घर में आप चले गए, और वहाँ और भी लोग होंगे? आप बहुत मुख्तलिफ लोग के लोग होते हैं ना, वो अपने अपने लोग आगे ले जाते हैं। तो फिर हमने शाम के वक्त ट्रैवल करना शुरू कर लिया, जब अंधेरा थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ तो हम लगे रहे। तकरीबन 2 बजे हमने तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया, सुबह के 2 बजे। सुबह के 2 बजे। और वो कितना मिनट का वॉक होता है या क्या कितना? ये तकरीबन ये शाम के टाइम से शुरू कर तकरीबन 9-8 घंटे का सफ़र तो ये भी होगा, ये ट्रैवल करना होता है उस घर से, उस घर, और वो भी बॉर्डर पे ही है। बॉर्डर पे ही है, तो उससे ले के तुर्की बहुत ज़्यादा नहीं है वो तो? 8 घंटे से पैदल ट्रैवल इस तरह होते कि ये सारा सफ़र पहाड़ों में होते हैं, और पहाड़ों में पैदल सफ़र होता है, उसमें गाड़ी की कोई रिंग नहीं होती, तो इसीलिए पैदल सफ़र होता है। लेकिन वो कितना, 1 किलोमीटर दूर होगा तकरीबन? यार तकरीबन ये दूर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉर्डर से काफ़ी आगे इस लोग हाफगा रखा हुआ है, फिर उधर से पैदल ले जाते हैं, फिर पहाड़ तक छोड़ते। लेकिन अगर आप वैसे देखें वो जो घर है वो बॉर्डर से, अगर आप गाड़ी में बॉर्डर तक जाएं सीधा तो गाड़ी में नहीं जाते? नहीं, वैसे मैं उस तरह देखना चाह रहा हूँ कि वो तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर होगा सिर्फ, 2-3 किलोमीटर तो होगा इसी तरह होगा, क्योंकि पैदल क्रॉस करना होता है तो टाइम इसलिए लगता है उस पर। 2 बजे तकरीबन लगभग हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तो हमें पता चला कि इधर भी कुछ नहीं है। सही, हाँ, बस हमने बॉर्डर क्रॉस की, बिल्कुल तारों के ऊपर हम चले गए और आगे निकल गए। हम खुश थे कि हम तुर्की में दाखिल हो गए, तुर्की में दाखिल हुए। मुझे क्या पता था कि आगे लोग बैठे, तुर्की वाली सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो आगे बिल्कुल टार्च के साथ और बंदूक के साथ बिल्कुल लाइन पे खड़े थे। जब हम जैसे एजेंट दूरबीन में देख रहा था कि आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उस एजेंट को भी पता था कि आगे फौजी है। तो अच्छा, उनको पता था ये दूरबीन उसी तरह होता है कि उसमें रात के टाइम इस तरह लोग देखते हैं जिस तरह दिन में देखता है, वो नाइट विजन होता है। हाँ, ठीक है इसमें। तो फिर हमें तो पता नहीं था, हम तो पहले जा रहे थे, तो उसने कहा जाओ कुछ भी नहीं है, तो वही रह जाता है और हमें आगे लेकर जाते हैं। जब हम आगे जा रहे थे तो सामने से हमें टार्च मारी और टार्च के साथ ही बोला कि स्टॉप, सबको बोला स्टॉप, आगे नहीं जाना, मतलब वो अपनी ज़ुबान में कहता है। ये टर्की के लोग, ये टर्की के लोग कहते हैं। जब उसने ये बोला तो हमारे पीछे तो बहुत लोग आ रहे थे। कितने लोग थे? यार 700 के लगभग थे, 700 के लगभग इतने लोग थे। तो लोग तो पीछे से बहुत आ रहे थे, तो हम तो आगे वाले थे, तो हम आगे से आ रहे थे और पीछे से और भी लोग, तो हम आपस में टकर गए। तो इसमें बहुत लोग उधर ही पकड़ लिए, कुछ लोग भाग गए उधर से, मैं भी भागा, काफ़ी भाग कर मेरे पीछे फायर भी कर दिया, तकरीबन 7-8 फायर हम पे भी कर लिया। हमारे जो दोस्त थे वो हमसे बिछड़ गए थे, क्या कहाँ गए वो कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, अकेला तुर्की पहुंच गया था। तो फिर उधर से हमें वान ले गए, वान में तकरीबन उस एक ये बक्सा नहीं होता प्लाइंग कोच की तरह, इसी तरह गाड़ी होते, उसमें 45 बंदे जोर से धकेल कर उसमें बिठाते हैं और फिर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो वो भी इतनी तकल्लुफ़ का सफ़र है कि मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। तो फिर हमें वान ले गया, वान में हाफगा में हमें डाला, हाफगा मैंने पहले बताया आपको कि घर जैसा होता है, रेंट पर जो लेते। फिर मैं उधर ही था, वहाँ कितने दिन थे? वहाँ तकरीबन 7-8 दिन हमने गुजार लिए। सही,
तो उधर करते क्या थे आप, मतलब पूरा दिन करते तो कुछ भी नहीं थे, बस वही बैठे रहे थे, बस इजन डबल रोटी 24 घंटों में एक बार खाना देता था वो हमें, बस सुबह के टाइम देता तब फिर खाना नहीं मिलता उधर। 8 दिन हमने गुजार ली, हमारे पैसे इधर से पुल नहीं हो रहे थे, तो वन में हमसे सारा पेमेंट हुआ जो एजेंट से जिस पेमेंट पे हमारी बात हुई थी, तो वो पेमेंट मैंने पे किया उधर वन में। जब वन में हमने पैसे दिए तो फिर मुझे एक और खाबगा ले गया, उसके पास ही था, उधर से फिर लोगों को ट्रैवल देते हैं तुर्की की तरफ, मुझे वहाँ ले गया कि इस बंदे का पेमेंट हमें हो गया है, अब इसको तुर्की इस्तांबुल ले जाया जाए। तो फिर मैं तकरीबन 7-8 दिन के बाद हमारे नंबर भी आ गया कि आप भी आओ, तो फिर हमें एक गाड़ी में बिठा लिया, छोटा सा गाड़ी था उसमें 3-4 बंदे बिठा लिए और एक जगह था उधर मुंतकिल कर लिया, उधर और भी लोग बैठे थे। तो फिर ये कंटेनर नहीं होते, वो बंद कंटेनर, उसमें लोग ले जाते थे। सही, ये दूसरा जो शहर है वहाँ से। हाँ, फिर ये लंबा सफ़र होता है, तकरीबन 24 घंटे सफ़र होता है तुर्की इस्तांबुल की। तो फिर उसमें हमने हमको बिठा लिया, और वो तो मेन हाईवे से ही जाता होगा सारा। मेन हाईवे से जाता होगा। तो फिर हम एक तकरीबन 150 बंदे फिर उस कंटेनर में बंद कर लिए। कंटेनर में 150 बंदे, सिंगल कंटेनर था वो, बड़ा भी नहीं था, छोटे वाला कंटेनर था। और वो किन किन मुल्कों के लोग थे उसमें? हमारा साथ बांग्लादेश के थे, अफगानिस्तान के थे, इराक के थे, शाम के थे और फलस्तीन का भी थे। सही। हाँ, बहुत सिंपल। दुबई से भी हमें लोग जो है ना मिले थे, वो भी थे हमारे साथ। तो जब हम उस गाड़ी में बैठ गए तो रात के टाइम फिर हम ट्रैवल कर रहे थे, तो वो तो मेन हाईवे से जा रहा था, मेन हाईवे से हम जा रहे थे। बितले से एक शहर आता है तुर्की में, जब हम उधर पहुंच गए तो हमारा गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया। सही। तो ये माजरा भी था कि टायर पंचर हो गया और पंचर टायर पे जा रहा था, गाड़ी नहीं रोक लेता क्योंकि टायर तो ख़त्म हो गया, फिर टायर ख़त्म हो गया बिल्कुल रैम पे चल रहा था, तो फिर गाड़ी रोक दिया उसने। वो सुबह के टाइम थी, वो उतनी सर्दी थी कि मैं क्या बताऊँ उस सर्दी के बारे में, उनसे ज़्यादा सर्दी मैंने ज़िंदगी में इधर नहीं देखी जितना सर्दी हमारे उसी दिन हुई थी। सही। तो फिर एक जगह पर सारा गाड़ी को खाली कर लिया उसने और लोगों को बैठा लिया उधर कि मैं गाड़ी को ठीक कर लेकर ठीक करके वापस ले आता हूँ, फिर आप लोगों को ले जाऊँगा। तो हम उधर बैठे रहे, सुबह भी हो गई, सूरज भी निकल आया, फिर तो लोग जाग गए होंगे। तो हमारी गाड़ी जब आ गई तो तकरीबन 10 बजे थे इस दिन के, तो हमें उसमें बिठा लिया, तो सारे लोगों ने हमें देख लिया कि ये कौन से लोग आए इधर। तो फिर आगे उसने बोला ही होगा कि इसने पुराने नंबर गाड़ी उसमें लोगे। जब हम गाड़ी से नीचे होते तो सारी पुलिस खड़ी थी, हमारी चारों तरफ पुलिस इसी तरह खड़ी थी जिस तरह बड़ी दहशतगर्द को पकड़ा है उसने। तो फिर हमें पकड़ लिया और कैंप ले गया पुलिस, हमारे नाम और डॉक्यूमेंट थे वो बनाने। तो हम कैंप में तकरीबन 12-13 दिन थे, कैंप में खाना देता था, 2 टाइम का खाना देता था बस उधर थे। फिर उधर से हमारा जो पेंगर थे वो कर लिए, इसके अलावा आई स्कैन थी वो भी कर लिए, मुख्तलिफ प्रोसेस थे उस कंप्लीट कर लिया, फिर हमें बसों पे बिठा कर वापस थे ईरान ले आया। ईरान के बॉर्डर शाम के टाइम फिर वापस ले आया, तकरीबन ये हमने ये कैंप से ईरान के बॉर्डर ये वापसी का सफ़र भी हमने 2 दिन में कर लिया था, इतना सफ़र हम तुर्की में कर। और बीच में रुकते थे या नहीं? नहीं, बस सीधा ले जाया गया, बस एक कैंप था, कैंप से डायरेक्ट बस में बिठा कर फिर छोटे छोटे गाड़ी में मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते बॉर्डर के, फिर वापस हमें ईरान भेज दिया। तो जिस रात हमें ईरान भेज दिया उसने, उसी रात हमें चोरों ने पकड़ लिया, उधर चोर माफिया होता है। नहीं तो ईरान में चोरों ने कैसे पकड़ा? तो उन्होंने ईरानियन गवर्नमेंट को नहीं आपके हवाले, आपको ईरानी गवर्नमेंट के हवाले तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह हम इलीगल गए थे, अगर ईरान की गवर्नमेंट को पता चल जाए तो फिर आपको नहीं छोड़ते ईरान पर, वो तुर्की को कहते हैं कि आपके लोग हैं। सही। और क्योंकि आप लोग बस तुर्की की साइड से अगर डिपोर्ट होना है तो ईरान वाले को पता चल जाए तो फिर ईरान वाले आपको नहीं छोड़ते, वापस तुर्की भेजते। नहीं तो वो गवर्नमेंट ने आपको मतलब बस वैसे कहीं उतार दिया है, बस इसी बॉर्डर से क्रॉस कर लिया और आगे बस तुर्की वाला ईरान वाला जब निकल आते तो वो फिर आपको ईरान नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि आप तुर्की जाओ,
और तुर्की वाले कहते हैं कि आप ईरान जाओ, कई लोग उधर दो दिन में रह जाते हैं, तीन तीन दिन में उधर होते हैं, क्योंकि नहीं छोड़ते, बॉर्डर के ऊपर ही रहते हैं, ईरान वाले भी नहीं छोड़ते, तुर्की वाले भी नहीं छोड़ते। तो फिर वो कुछ लोग वही दो तीन दिन गुजारते हैं, न पानी न खाना। तो फिर हम जब डिपोर्ट हुए तो वो पहुँच नीचे जो चोर लोग हैं वो गाँव होते हैं वो बॉर्डर के पास, वो इस तुर्किश लोगों के साथ लाइन पे होते हैं कि हमने इतने बंदे भेज दिए, आप लोग आओ पकड़ लो। ये इसलिए होता है कि ये जितना सजा तुर्किश सिक्योरिटी फोर्सेस देते हैं जो बॉर्डर के फौज है, लोगों को बहुत मारते हैं, लोगों को, मुझे भी बहुत मारा। तो पहले मैं रिपोर्ट कर लिया बॉर्डर से आगे, ये इसलिए उसको बता दे कि उसको ये लोग पकड़ ले हमें, और ये भी सजा दे इसको कि ये फिर ना आए। तो पहले मैं बिल्कुल जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो वो लोग पहुंच गए, और वो सिविलियन लोग होंगे, सिविलियन लोग थे, हमें कह रहे थे कि जाओ आओ पानी पी लेंगे, खाना खाएंगे, मुख्तलिफ डिमांड दे रहे थे हमको कि आ जाओ मेरे साथ, हम आपको जिधर भी जाना है हमें आपको ले जाएंगे। जब आप उन लोगों के साथ जाते तो फिर आपको घर में बंद कर लेते। सही। मैं भी एक इसी तरह था, मैं तो डर से वो रात पहाड़ में गुजार ली मैंने, कि एक दोस्त और भी साथ था, हम दोनों ने ये रात पहाड़ में गुजार ली। तो फिर जब सुबह हुई तो हम उठे तो हमें लग रहा था कि ये तो पाकिस्तान की तरह होगी, बस सुबह हम चले जाएंगे, हमें क्या पता कि दिन में भी इधर चोर होते हैं। तो दिन के टाइम उन्होंने हमें पकड़ लिया और फिर हमें ले गया, मारपीट भी की थी उसके साथ, लेकिन उसने हमें नहीं छोड़ रहा था। नहीं तो वो क्या कह रहा था आपको? वो कह रहा था कि बस पहले तो वो $50 से शुरू कर लेते हैं, $50 से बोली लगते, हमारे बोली तकरीबन $700 तक पहुंच गई थी। नहीं, बोली किसको लगाते हैं? बोली इसी लगाते कि आप मुझे $50 दे दो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, एजेंट को कहते कि $50 दो आपके बंदा हमारे पास है, आओ ले जाओ। तो एजेंट पैसे तो नहीं देते क्योंकि उसने अपना पेमेंट तो कर लिया होता है, वो पेमेंट नहीं करते। तो फिर वो बंदा मजबूर होकर दूसरे को बेचते हैं, वो बंदा जो पकड़ लेते हैं वो दूसरे को बेचते हैं $50 में, वो $50 में खरीदते हैं, फिर वो दूसरे को 100 में बेचते। फिर इसी तरह आगे मैं तकरीबन 7 जगह बेच चुका था, आखिरी जगह जब मैं बिक गया तो उसने इतना सा बैग लाया और उसमें सारा सामान थे, जो काटने की वो कान काटने की चोरी थी उसमें, उसमें एक चीज़ ये थी कि इधर आपको अंगूठियों में लेते थे और फिर इसको जोर देते थे, मुख्तलिफ टार्चर की चीज़ें थे वो ले आए। और आखिर में हमें कह दिया कि आप तो पैसे नहीं दे रहे, मैंने 9 दिन गुजारे थे छोरों के साथ, कि आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं आपसे पहले कान काटूँगा, फिर हाथ काट लूँगा, फिर पैर काट लूँगा और फिर मार दूँगा। जब ये इस तरह बोला तो मैंने घर को मजबूर होकर कॉल किया, तब मैंने घर कॉल कर लिया। कॉल किसको किया आपने? बाप को कर लिया। वो कह रहा था कि एजेंट को कॉल नहीं करना, सिर्फ अपने बाप को कॉल करनी है, बाप से कहना कि वो पैसे भेज दे। तो मैं तो अपनी गरीबी की वजह से गया था, इधर भी इतने वसाइल नहीं थे मेरे पास, तो फिर भी हमारे थोड़ी सी ज़मीन थी वो बाप बेच दिए थे, वो थोड़े से पैसे इकट्ठे करके हमारे पीछे भेज दिए थे, क्योंकि वो पैसे भी हमें नहीं पहुँचे, वो भी रास्ते में वहाँ पे लोगों ने का लिया होता, अपने लोग होते थे, गांव में एक बंदे को दिया था उसने अपने पास ही रखा था, भेज ही नहीं दिया गया मेरे पीछे। आपके अपने गांव में? हाँ, अपने गांव में। तो फिर मुझे पता चला कि घर से भी पैसे नहीं आ रहे और एजेंट भी नहीं दे रहे, मुझे मारना भी है इसको। तो मुझे एक बंदे जो तुर्की के मेरा दोस्त था उसको मैंने कॉल कर दिया कि आपको तुर्किश ज़ुबान भी आती है, आप इस एजेंट को समझाओ, उससे कहो कि मैं पैसे कल भेजूंगा, तुम इस बंदे को कुछ नहीं कहना। तो फिर उसने बताया उसके मैं कल पैसे भेज दूंगा और आप आज रात इसको कुछ मत बताना, मतलब वो मारते थे हर रात हमें, मारते टार्च कर रहे थे, वो करंट देते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें टार्च कर। कितने लोग थे आप लोग वहाँ? मैं अकेला ही था। सही। अकेला उसने हमें पकड़ लिया था, बाकी तो सारे चले गए। तो जब रात के टाइम उसने हमें दूसरी जगह ले जा रहे थे तो रास्ते में एक इशारा था उसमें खड़ा हो गया, तो उधर से मैं गाड़ी की दरवाज़ा खोल लिया और भाग गया। जब मैं भागा वो हमारे पीछे आ रहा था, तो फिर मैं नहीं रोकता, मैं तो डर रहा था कि अगर आप अभी रुके तो ये आपकी बिल्कुल मार दे। तो उधर से तो भाग गया। दो दिन मैंने एक सहरा में गुजारी थी,
उस दो दिन में मैंने नालियों के पानी पी थी। खाना मैंने दो दिन में नहीं खाया, पत्ते का है। दो दिन में हमने सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाए, वो पता भी नहीं थी कौन सी दरख्त थी, लेकिन पत्ते का है उसकी। दो दिन मैंने उस पर गुजारा कर लिए। फिर जब दो दिन गुजर गए, तीसरे दिन आए, तो मैं अपने साथ सोच रहा था कि आप तो ऐसे ही बीमार रहे हो, मर रहे हो, तो आगे शहर की तरफ बढ़ो, कुछ ना कुछ मस्त तो हो जाएगा। मैं इतना डर गया था कि मैं इंसान से बिल्कुल डर रहा था। इंसान जब देखता था तो मैं उनसे डरता था। तो बस शहर की तरफ निकल पड़ा, दम भी नहीं थी पाँव में, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था मैं। तो जब शहर पहुंच गया तो उधर एक बंदा था, उससे पूछा कि यार ये नंबर है, इस पे कॉल कर लो। वो बंदा बहुत अच्छा बंदा था, ईरान में मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा था। तो उसने हमारे एजेंट को कॉल भी कर लिया, उसको गाली भी दी कि आप किस तरह लोगों को इसी तरह लोग ले आते हो और फिर इस तरह छोड़ते हो। मैं थोड़ा थोड़ा पारसी भी जान गया था उसी दौरान। तो फिर एजेंट ने हमसे बात कर लिया कि आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। और वो पेशावर में था एजेंट, वो मुख्तलिफ एजेंट होते हैं ना। जो हमारा एजेंट था वो तो तुर्की में ही था, एक पेशावर में था। पेशावर वाले से तो हमने बात की थी, पेशावर वाले ने एजेंट वाले से बात की। एजेंट ईरान वाले अलग होते हैं, तुर्की वाले अलग होते हैं, पाकिस्तान वाले अलग होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एजेंट होते हैं। तो एजेंट ने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप इधर खड़े हो जाओ, बस तुम तकरीबन एक घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसने गाड़ी ली और फिर मुझे ले गया। और वो खुद आया था? खुद नहीं आता, बंदी को भेजा था। तो इसी दौरान मैं इतना सख्त बिल्कुल पछता रहा था अपने सफ़र पर, क्योंकि मैंने बहुत जुल्म किया था अपने साथ और घर वालों के साथ भी बहुत जुल्म किया था। क्योंकि इसको एक एक बात की खबर पहुंच जाती थी कि उस पर ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है। तो और वो कैसे उनको पता चल रहा था? बस पता तो उसको इसी तरह चल जाता था कि हमारा जो एजेंट था वो गाँव वाला, वो बता रहा था उसको कि इस तरह मुश्किल में है, इस तरह मुश्किल में। तो वो उसको कह नहीं रहे थे कि तुमने क्यों भिजवाया इसको? नो, उसको तो कह रहे थे, लेकिन मैं तो गया था ना, तो कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा घर का भी हालात बहुत ख़राब हो चुका था, बाप रो रो कर इतना ख़राब हुए थे। मैं ट्रैवल करके इतने ख़राब नहीं हुआ था जितना वो लोग घर में रह कर भी हमारे जो गम थे उसमें ख़राब हो चुके थे। फिर वो आपको लेके कहाँ गया वहाँ से? फिर हमें वो अपने घर ले गया एजेंट। फिर मैंने अपने एजेंट को देखा, ईरान वाला जो एजेंट था वो अपने घर ले गया। तकरीबन 9 दिन हमने छोरों के साथ गुजारी थी उसमें। उसी दौरान हम पे बहुत टार्चर हुआ था, मैं बहुत ज़ख्मी था। अभी भी हमारी ये जो साइड इस पर निशान है चाबक की, तो उसने बहुत मारा था। तो फिर हमें ट्रीटमेंट के लिए भी ले गया, वो एजेंट घर में ट्रीटमेंट कर रहा था। तो फिर उसने कहा कि आप क्या करोगे, आप आगे जाओगे या नहीं जाओगे? मैंने कहा कि मुझे आगे जाना नहीं है, बस मुझे अपनी घर जाना है। बाकी अगर यूरोप में पैसा इतना पड़ा हो कि लोग ऐसे भेजे रहो, मुझे नहीं जाना आगे, मुझे अपने घर जाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको घर भेजता हूँ। तो फिर उसने हमारा तेहरान का वापसी का टिकट कर लिया और हमें तेहरान ले आया। तो तेहरान से फिर हम अफगानिस्तान आ गया, क्योंकि पाकिस्तान की साइड पर तो मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि इधर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो इसी वजह से मैंने शॉर्टकट अफगानिस्तान का रास्ता अपनाया। तो अफगानिस्तान की तरफ से मैं आ गया। फिर तुरखम में हमने FIA जो डिपार्टमेंट, उसने हमें पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले और लिया। तालिबान आ गए थे? तालिबान की उम्मत नहीं थी उस वक्त, वो उसकी अपनी गारमेंट थी। तो पूछताछ कर ली कि किस तरह गए थे, क्यों गए थे, मतलब मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। मैंने सब कुछ बताया उसको, फिर उसने हमें छोड़ दिया। तो हम पाकिस्तान आए, लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुँच गया तो इसमें हमारा इतना नुकसान हुआ था कि हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि मैं तो जब जा रहा था तो उस वक्त भी हमारा हालात बहुत ख़राब था, लेकिन जब मैं आया तो उनसे भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो फिर भी मैं खुश था कि मैं अपने मुल्क तो सही सलामत पहुंच गया। तो कई लोग तो सही सलामत पहुंच ही नहीं जाते वापस घर। इस सफ़र में मैंने मौत देखी लोगों की, लोगों की तकलीफ देखी है, उसकी मार देखी है, बहुत से चीज़ें मैंने इसमें देखी है इसमें, क्योंकि ये बहुत डेंजर ट्रैवल है और इसमें जाना नहीं चाहिए। बस अगर जाना है तो लीगल तरीके से जाओ और अच्छी फ्लाइट पर जाओ। पैदल जाना बहुत मुश्किल है और बहुत
डेंजर भी है। तो और टोटल आपके पैसे कितना कितना नुकसान इस दौरान? तकरीबन हमारा 340,000 तक हमारे पैसे लगे थे। सही। लेकिन उसमें 180,000 पर हमारे बात हुई थी एजेंट से, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा पैसे लगे थे, मैंने आपको बताया कि हमारे पीछे पैसे आ रहे थे लेकिन हमें पहुंच नहीं रहे थे, वो एक्स्ट्रा पैसे वही थे। तो फिर वो पैसे के बारे में मैंने वो जो गाँव वाला बंदा था जिसके थ्रू मैं गया था, उसको मैंने पकड़ लिया कि मैं भी मुझे इसका हिसाब दो कि जितना आपका है वो तो आप ले लो, लेकिन जो ज़्यादा लगी है वो तो मुझे वापस कर लो। वो ये भी नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं जाकर FIM रिपोर्ट कर लूँगा और फिर जो वो कहेंगे वो आप करेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है FIA वालों को भी पता है कि ये कौन कौन एजेंट है, या नहीं पता होता है उनको इतना? ये ऐसे गैंग है कि उसको पता नहीं होता, कि वो सामने ही नहीं आते बंदे की, जो असल बंदा पीछे बंदे होता है वो सामने नहीं आता ना। वो जो सामने आते वो एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर तो बेसिकली इसीलिए भी रोड पर चलते, बहुत मुख्तलिफ ड्राइवर होते तो उस पर शक तो नहीं कर सकता ना। जो मेन लोग है वो सामने नहीं आता। सही। आपने उससे बात की है मेन बंदे से कभी कॉल पे? बात बिल्कुल हर टाइम हम बात कर रहे थे उस पर, जो जिस टाइम अभी भी उसके नंबर मेरे 60 से। सही। और वो उधर का ही है, KP का है? बस वो KP के, तो इधर भी उसका लिंक है लेकिन वो ज़्यादातर लोग तुर्की में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं। सही। अच्छा, वो रहते भी पाकिस्तान से बाहर? बाहर रहती है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते, जर्मनी फ्रांस में भी होते हैं। जो लोग इससे आगे जाते हैं उसके एजेंट उन मालिक का होता है जो मालिक में वो जाते, तो ये ट्रैवल टीम है। सही। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने टाइम निकाला और पूरी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।